मैं अपना फर्स्ट मीटअप रखने वाला हूँ 18 तारीख को, एड्रेस होगा। जैसे मेरी वीडियो अपलोड हुई है, मैं घर पे आया ना, यहाँ देखो बारिश शुरू हो चुकी है। आपके माइंड में ये भी ख्याल आता होगा कि हमेशा ब्लॉग में केवल ही सुबह उठता है, और फिर मुझे डेली ब्लॉग्स कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई एम सुरेंद्र फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से और इन सुंदर से पहाड़ों से, मेरे सुंदर से गांव से, मेरे गांव का नाम है मेरा गांव। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से है, हल्की हल्की धूप भी लग रखी है और बादल भी छाए हुए हैं, और कुछ इस प्रकार से आज बाहर का मौसम बना हुआ है। और अभी समय हो रहा है सुबह के 8:30, और तुम्हारा भाई थोड़ा आज देर में उठा है और मुझे भी नींद ही आ रही है। मतलब कि मेरे चेहरे से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कभी भी कितनी नींद आ रही है। तो चलो चलते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद नाश्ता इंजॉय करते हैं। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:15। अभी तक मैंने वीडियो को एडिट किया और अब जा रहा हूँ मैं वीडियो को अपलोड करने। और आज बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से बना है, जिस प्रकार से सुबह मैंने दिखाया था आपको, वही है, उसी प्रकार से है। अभी तो धूप भी नहीं लग रखी है। और जिस टाइम पे ना मैं वीडियो अपलोड करने जाता हूँ ना, मैं सोचता हूँ उस समय ना तो बारिश लगनी चाहिए और ना तो धूप होनी चाहिए। अगर बारिश लगे तो भाई मैं वहाँ पर कहाँ पर रहूँगा, और घर पर तो यार नेटवर्क तो इतने अच्छे आते नहीं है। तो चलो चलते हैं वीडियो को अपलोड करने उसी लोकेशन पर। यहाँ सामने तार पर बैठी है घुघती। देखो भाई, फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बाता, जून तू होली मेरी मैं जूनारी राता। आपके माइंड में ये भी ख्याल आता होगा कि हमेशा ब्लॉग में केवल ही सुबह उठता है और फिर बाद में ब्लॉग बनाता है, फिर रात को बोलता है कि ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, एडिट करता हूँ, ये कर रहा हूँ, एंड करता हूँ। तो दोस्तों 3 घंटे तो यार मुझे यहीं पर रहना पड़ता है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मौसम बना हुआ है, और यहाँ पे देखो अभी मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा है भाई, और वहाँ पे धूप भी लग रखी है। सामने पे जो गाँव है ना, चटोली गाँव है, ये देख सकते हैं। एक तो अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई और ऊपर से भाई बारिश भी आ रही है, शुरू हो गई है। यहाँ देखो ऊपर से, यहाँ देखो यहाँ से, यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ से बारिश भी आनी शुरू हो गई भाई। यहाँ से तूफान भी चलना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे भाई ये केवल गांव पे ही सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं, और यहाँ पे लोग हल भी लगा रहे हैं अभी, ये देखो ट्रैक्टर से अपने, और ये सटी गुड़ाई चल रही है, किराई गुड़ाई, ये देख सकते हैं ना। मुझे एक लंगूर दिख रहा है भाई, लंगूर, ठीक है, गुणी बोलते हमारे गांव में से। यहाँ पे है वो, यहाँ पे कहाँ पे भाई वो, हाँ ये देखो भाई लंगूर यहाँ पे भाई साहब, हाँ देखो। और यहाँ से कुछ बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा भाई, यहाँ देखो आज अब इसको जूम कर रहे हैं ना, देखो ये लंगूर यहाँ बैठ रहा है भाई, यहाँ देखो। और फाइनली दोस्तों तुम्हारे भाई की वीडियो अपलोड हो चुकी है, और जब वीडियो अपलोड होती है ना इतनी खुशी मिलती है, और भगवान का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यहाँ से बारिश जो आ रही थी, बारिश वहीं थम गई है, और अब चलता हूँ मैं घर पर। जब मैं घर से यहाँ पे आता हूँ ना, तो मतलब कि मेरा मूड ना ऑफ ही रहता है हमेशा। यहाँ पे जब मैं आता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार कि भाई साहब पत्नी कब होगी वीडियो अपलोड यार, कब होगी।
मतलब आपको स्टैच्यू रहना पड़ता है, मतलब कि आप खड़े हो तो खड़े ही रहना है। अगर आप नीचे बैठ गया ना तो भाई नेट की स्पीड स्लो, फिर उठो फिर इसको एरोप्लेन मोड में डालो और फिर थोड़ा नेट स्पीड आती है। तो मतलब कि क्या बोले यार, और किसको एक्सक्यूज़ दिखाएं, अगर हर चीज़ में एक्सक्यूज दिखाना लगूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और दोस्तों ये ज़रूर बताना कि आजकल मेरे जो वीडियो की क्वालिटी है वो इन्हेंस हुई है या नहीं। आजकल आपको मेरे डेली ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मुझे डेली ब्लॉग्स कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और आपको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है, और आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, कोई कंटेंट मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चत पे साख मेरो मुन स्यारा, क्या भलो रंग रंगीलो मिल में जो हरा, क्या भलो मर्दुली मा नंदा जो को थाना, मैसूर कुंड बिरती और सिरकानी का सिरा, क्या भालो मरतुली माँ नंबाजू को थाना, मैसूर कुंड बिरती और सिरकानी का सिरा, आहारे चत बैसाख मेरो मुन स्यारा वे जारे। और पहाड़ों में आजकल किनगोड़ी पकनी भी शुरू हो चुकी हैं, देख सकते हैं ये किनगोड़ी है, खट्टे मीठे होते हैं ये भी, और ये पकने शुरू हो चुके हैं। अब इनको कम से कम एक महीने तो लगेगा, देखो देख एक ये सब पक गया है, ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से पकते हैं किनगोड़ी। और आजकल गांव में जो हरियाली है, हरियाली के साथ साथ सुंदर सुंदर पुष्प भी खिले हुए हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर पुष्प। और जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही बारिश वाला पूरा मौसम बन चुका है, और बारिश की बूंदाबांदी भी गिरनी शुरू हो चुकी है। और इस प्रकार से एंट्री होती है हमारी, और ये है हमारा घर, ये मेरी मम्मी जा रही है मेरे कपड़े धोए होंगे शायद। और अभी 5:15 हो रहे हैं, 5:15, और जैसे मेरी वीडियो अपलोड हुई है मैं घर पर आया ना, यहाँ देखो बारिश शुरू हो चुकी है, और ऊपर से तो बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है, यहाँ देखो यहाँ से। ऐसा फिर और मैं क्या दिखा सकता हूँ ब्लॉग में, अगर कहीं जाना भी है तब तक बारिश हो जाती है, तो आधा समय तो मेरा यार वीडियो को बनाने में लगता है, और उससे ज़्यादा समय मेरा वीडियो को अपलोड करने में लगता है, 3 या 4 घंटे है ना। और अभी रात के बज रहे हैं 8:15, यानी कि 8:15, और आप सभी को मैं एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। 18 तारीख को मैं मीटअप रख रहा हूँ न्यू दिल्ली में, एड्रेस है न्यू दिल्ली झंडा वाला मेट्रो स्टेशन गढ़वाल भवन में, जरूर आएँ और मिलें जरूर, और जो जो मुझे मिलने आ रहा है 18 तारीख को तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना। और अभी खाना पीना भी हो चुका है, और अभी टाइम हो रहा है रात के 11:15, यानी कि 11:15, और अभी नींद भी आ रही है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।